हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन तोड़ने पर लग गई अमित शाह की मुहर। सभी 10 सीटें भाजपा को, बयान का मतलब समझिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा में अगले साल होने वाले लोकसभा और फिर विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंका। उन्होंने बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। अमित शाह ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा और जनता से मदद मांगी। शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को 3D शासन करार देते हुए आड़े हाथों लिया। अमित शाह हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी की सहयोगी जननायक जनता पार्टी जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला के गृह क्षेत्र सिरसा पहुंचे थे। यहां उन्होंने रैली में जो भाषण दिया उसके सियासी मायने निकाले जा रहा है। रैली में उन्होंने जो कहा उससे स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव हरियाणा में अकेले लड़ने के मूड में है। बीजेपी की सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल की आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने दुष्यंत के परदादा चौधरी देवीलाल का आह्वान किया। उन्होंने लोगों से उनके नाम पर समर्थन मांगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित कई बीजेपी नेता भी अलग अलग मौकों पर इस तरह के बयान दे चुके हैं। बीजेपी ने कई मौकों पर कहा है कि हरियाणा में गठबंधन केवल एक स्थिर सरकार के लिए किया गया था, न कि साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि जेजेपी के हरियाणा अध्यक्ष निशान सिंह ने कहा कि सिरसा रैली बीजेपी ने आयोजित की थी, उनके नेता कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं। जहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, हम पहले ही कह चुके हैं कि हम हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब 2024 के संसदीय चुनाव करीब आएंगे तो हम बीजेपी नेताओं के साथ बैठकर गठबंधन पर चर्चा करेंगे। अगर दोनों पार्टियों के बीच सब ठीक कहता है तो संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन जारी रहेगा।